नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कश्मीर पर पाकिस्तान आज ही से नहीं, काफी पहले से झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। इसके साथ ही साथ कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए तरह तरह की कारगुजारियों से गुजरता है, खुद की पोल खुलवाता रहता है। इसी के चलते कश्मीर मुद्दे पर फेसबुक पर गलत जानकारी देने की वजह से इस बार पाकिस्तान को फेसबुक ने करारा जवाब दिया। फेसबुक ने पाकिस्तान के सरकारी चैनल द्वारा कश्मीर पर लाइव बुलेटिन स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी, जिसके चलते पाकिस्तान से फैलाए जा रहे कश्मीर पर बुलेटिन धड़ाम से गिर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग बंद होने के बाद पाक न्यूज चैनल ने यूट्यूब का सहारा लिया। पाकिस्तानी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिले चेतावनी संदेशों को स्क्रीनशॉट शामिल किए हैं, जिसमें सार्वजनिक प्रसारण पर खतरनाक संगठनों पर प्रसारण के लिए मानकों का उल्लंघन पर चेतावनी दी गई है। ये पोस्ट विशेष रूप से जुलाई में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के दिन और उसके बाद जाकिर मूसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू से जुड़े समाचारों को लेकर थे। फेसबुक की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी चैनल ने कहा है कि फेसबुक प्रशासन ने कश्मीर में सैनिक उत्पीड़न, कर्फ्यू और दमन के खिलाफ उठ रही आवाजों से संबंधित न्यूज बुलेटिन पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर इतना अंधा हो चुका है कि वो ये भूल गया है कि फेसबुक नफरत करने वाले मैसेज और खबरों को अपने प्लेटफॉर्म पर यूज करने की इजाजत नहीं देता। जिस तरह से पाकिस्तान कंटेंट के माध्यम से कश्मीर पर गलत न्यूज फैला रहा है, इससे तो लगता है कि जल्द ही यूट्यूब भी पाकिस्तान चैनल को बैन कर देगा। पाकिस्तान सरकार की प्रवक्ता फिरदौस आवान ने कहा है कि फेसबुक द्वारा खबरों पर रोक लगाना मानवाधिकार का उल्लंघन है। सरकार फेसबुक द्वारा लगाए गए बैन को हटाने का प्रयास करेगी। हर जगह से बेइज्जत होने के बाद भी पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, और फेसबुक की कार्रवाई पाकिस्तान को बेपर्दा करती है। अगर फेसबुक की माने तो फेसबुक ने नवंबर में पारदर्शिता रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी से जुलाई 2019 के बीच दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित की गई कुल 17,807 कंटेंट में से 31% पाकिस्तान से थे। फेसबुक ने 2019 की पहली छमाही के दौरान 5,690 कंटेंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले 2018 की बात करें तो उस साल दूसरी छमाही के दौरान पाकिस्तान की 4,174 कंटेंट को फेसबुक ने प्रतिबंधित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कैसे और क्यों फेसबुक ने पाकिस्तान की बैंड बजाई।